नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वीं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हैं। इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे समेत विश्व के दूसरे नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले उन्होंने योग फॉर पीस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को शांति के लिए योग का नाम दिया गया है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के लिए इससे बेहतर नाम हो नहीं सकता। योग हमें बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करता है और हमारे दिमाग और शरीर को शांत रखने की ताकत देता है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने। आज के कार्यक्रम का नाम है योगा फॉर पीस। योग के किसी कार्यक्रम का इससे बेहतर नाम ढूंढ पाना मुश्किल है। योग से हमें तन और मन दोनों का स्वास्थ्य मिलता है। योग हमारे शरीर को शक्ति देता है और मन को शांति देता है। जब व्यक्ति के मन में शांति होगी, तभी परिवार में, समाज में, देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राजधानी ब्यूनस आयर्स में सऊदी अरब के वली अहद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। साथ ही दोनों पक्षों ने प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में निवेश बढ़ाने पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने भारत सऊदी अरब के संबंधों को अनेक पहलुओं और आर्थिक, सांस्कृतिक और ऊर्जा संबंधों को और बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की है। कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं। शीतकालीन सत्र के ठीक पहले संसद तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हजारों किसानों ने मेगा रैली कर रहे हैं। किसान मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हजारों किसान रामलीला मैदान से सांसद भवन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्च के दौरान उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों की सरकार से मांग है कि उन्हें राम मंदिर नहीं चाहिए, कर्ज माफी चाहिए। आपको बता दें कि एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। ऋण माफी और कृषि उत्पादों के बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली में 200 किसान संगठन एक साथ एकजुट हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा आलोक कुमार ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक ने। Traffic is likely to be heavy there. Traffic police will be giving a real-time update of the march and also traffic roads which will be affected. So commuters are suggested and advised to keep themselves updated from the alerts of traffic police. And those who are going to New Delhi railway station, they are advised to keep sufficient time at hand so that they can reach police. बिजनौर जनपद के तहसील चांदपुरा में ढाली बाजार स्थित बंसल मार्केट में वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के ऑफिस में, जिसमें बुधवार की रात करीब 10 बजे जितेंद्र नामक व्यक्ति, जो वेस्टर्न यूनियन में मैनेजर हैं, अपने ऑफिस में बैठकर पैसों का लेन देन कर रहे थे, तभी तीन बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों ने चौकीदार बनकर पैसे मांगे। चौकीदार के गेट खुलवाते ही तीनों व्यक्ति तमंचे से लैस होकर बैंक में घुस गए और मैनेजर को तमंचा दिखाकर 1,25,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। कहाँ नौकरी करते हैं आप? बंजल मार्केट। ये जो अभी चोरी की घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? ये ऐसा है जी, ये जो दो आए थे, दो लड़के आए थे पहले शुरू में। अच्छा। ये बोले भाई पैसा डालना हमें, मैंने कि जैक खोल। अच्छा, फिर उसके बाद ये पहुँच के इनका हिसाब किताब बोले तो फिर दो और आए, दो बोले भाई हमें पैसा निकालना है, पैसा निकालने वाला। फिर उसके बाद तीसरा, उन्होंने मोटरसाइकिल ला कर यहाँ खड़ी करी, मोटरसाइकिल खड़ी करके तमन चले लगा कर अंदर ले गए, वहाँ जाकर लूट मार कर। पैसा कहाँ से निकालने आए थे?
बैंक से। सर कल रात में जो है बैंक वेस्टर्न यूनियन बैंक है चांदपुर में, इसमें लूट का मामला, क्या मामला है सर? वेस्टर्न यूनियन में कल ऐसा बताया गया कि रात के 10 बजे कुछ तीन लोग आए और उन्होंने पैसा जमा करने की बात कही, जिस पर कि वो उन्होंने दरवाजे बैंक खोल दिया और वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस खोल दिया और उन्होंने भीतर आके उनसे 1.25 लाख रुपये, करीब 1,30,000 रुपये की लूट की। इसमें अभी पंजीकृत कर लिया है, विवेचना की जा रही है और इस संबंध में भी जानकारी की जा रही है कि ऐसे समय पर बैंक क्यों खोला गया, इस संदर्भ में सभी चीजों के पर। आगरा थाना जगदीशपुरा इलाके के गांव अंगूठी में मामूली विवाद के चलते चाय दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल जगदीशपुरा इलाके के अंगूठी गांव में मृतक चाय की दुकान पे उसकी दुकान पर गांव के ही कुछ दबंग लोग थे, जिसमें थान सिंह नाम का शख्स तमंचा लगाकर बैठा था। आरोप है कि उससे योगेंद्र का कुछ विवाद चल रहा था, जिसके कारण उसने गोली मार दी। आनंद फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। योगेंद्र सिंह, जिनकी उम्र 40 साल की है, पीए जगदीशपुरा अंगूठी गांव पे का मामला है। आज प्रातः उनकी तमंचे से गोली मार के हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पे है, क्षेत्राधिकारी ने। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए नेशन लाइव के साथ। हर खबर का मतलब ब्रेक, आवाज तो सब उठाते हैं लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ग्रहों की चाल से रहें सावधान, यहां है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र, राशि फल में देखिए ग्रह चाल, सिर्फ नेशन लाइफ पर। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज। क्योंकि अब जनता मांगे जवाब, देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। कन्नौज में गुमटी पर कब्जेदारी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक शख्स को मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली के बरगावा गांव में जमीनी विवाद का है, जिसमें आरोप है कि 50 वर्षीय शख्स को आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक राम नरेश पाल ने एक जमीन का बैनामा कराया था। उस जमीन पर गुमटी रखने को लेकर आरोपी मुरारी से विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन जब मुरारी अपने साथियों की गुमटी पर कब्जा करने पहुंचा तो राम नरेश ने उसको रोकना चाहा, जिस पर मुरारी अपने साथियों संग मिलकर राम नरेश पाल पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं आग की लपटों में घिरे राम नरेश को बचाने के प्रयास में उसके भाई भी झुलस गए। पुलिस तहरीर के आधार पर उपलब्ध साक्ष्य अनुसार आवश्यक
वैधानिक कार्रवाई से जुट गई है। गांव में जिसमें राम नरेश पाल एक 50 वर्षीय व्यक्ति हैं और उनके एक सारू हैं मुरारी पाल, तो इन दोनों के बीच एक गुमती को रखने को लेकर के विवाद हुआ और इस विवाद में दोनों में हाथापाई है, कुछ ईंट पत्थर फेंके हैं। उसमें राम नरेश पाल को बर्न इंजरी भी आई है। उनका आरोप है कि जो विपक्षी हैं मुरारी पाल वगैरह ने, उन्होंने केरोसिन तेल डाल करके हमको जलाने का प्रयास किया है और जो राम नरेश पाल है इनको तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मामूली बर्न है, 30% 35% बर्न डॉक्टर्स का कहना है कि ये सेफ हैं और वहाँ पे मौके पर जांच की गई है। तो अभी तो ये भी बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कि इन्होंने दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए स्वयं ही किया है, लेकिन इसके बीआरडी डिग्री कॉलेज में फर्जी तरीके से जमीन कब्जा कर बीएससी एग्रीकल्चर की मान्यता लेने का मामला 44 साल बाद तूल पकड़ा, जिसको लेकर प्रशासन ने निरस्त कर दिया तो वहां के पढ़ने वाले छात्रों को अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा, जिसकी वजह से पूर्वा चौरा पर देवरिया गोरखपुर मेन रोड पर सैकड़ों छात्रों द्वारा जाम कर दिया गया और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को निरस्त करने की मांग करने लगे। घंटों जाम के बाद भी जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। डीपीजी कॉलेज के नाम से वो जमीन दस्त है 1954 से। आज वो एसडीएम साहब भूमि माफियाओं के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर उस जमीन को अवैध तरीके से, बीआरडीपीजी कॉलेज को ये साबित करना चाहते हैं कि वो अवैध तरीके से कब्जा की गई है। उसी हम लोग उसी 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 क्रम में हम लोग उसी हमारे कॉलेज को उसी जमीन की वजह से मान्यता प्राप्त हुआ था। आज जो जमीन हमारे कॉलेज से चली जाती है, हमारा कृषि विद्यालय का मान्यता समाप्त हो जाएगा। आज हम लोगों ने इसके पहले सर को कुछ दिनों पहले धरना प्रदर्शन करके उनको ज्ञापन दिया था। उन्होंने एसडीएम साहब बोले थे कि हफ्ते में कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन हमारे ज्ञापन देने का वजह कुछ नहीं निकला। आज उसी क्रम में हम लोग फिर से एक बार चक्का जाम किए हैं और उनको ज्ञापन कार्रवाई आज नहीं कुछ की गई है। ये कोर्ट में बकायदा उप जिलाधिकारी न्यायालय देवरिया में, ये जो यहाँ का पीजी कॉलेज है, एग्रीकल्चर की मान्यता इनकी है, लेकिन जो ज़मीन इन्होंने अपने नाम जो है खतौनी में हेर फेर करके आज से 40-50 साल पहले अपने नाम किसी तरह से करा करके और फिर मान्यता ले ली थी अपने यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज की, उसकी शिकायत हुई, जाँच हुई, बकायदा तहसीलदार और एसडीएम ने जाँच करी, फिर कोर्ट में आदेश हुआ कि ये जो ज़मीन है वो आसामी 3 श्रेणी में इन्होंने पट्टा करवाया था, लेकिन उसमें बढ़ा लिया एग्रीकल्चर शब्द अपने किसी से, बाद में जो है फर्जी इंदराज करके एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम से बढ़ा लिया। और वो ज़मीन 2012 से यूपी गवर्नमेंट का एक शासनादेश है जिसमें आसामी पट्टे जितने हुए थे वो सभी खारिज करके। असम में पंचायत चुनाव प्रसार अभियान जोरों से चल रहा है। राज्य के लखीमपुर जिले में सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नारायणपुर मंडल कमेटी ने धौलपुर सिमुलगुरी जिला परिषद के प्रार्थी दीपाली बोनिया के लिए लगभग 30 किलोमीटर तक बाइक रैली निकाली। बिजनौर के इंदिरा बाल भवन में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल 101 जोड़ों को धूमधाम और पूर्ण रीति रिवाजों के साथ शादी कराई गई, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला अधिकारी ने नवनिवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस योजना को बीजेपी प्रदेश सरकार की पहल पर सभी जनपदों में चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत शादी समारोह में खर्च होने वाले रुपए की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा कराया गया। साथ ही इस योजना से सामूहिक संगठन को भी जिला प्रशासन द्वारा जोड़कर आज 70 हिंदू और 31 मुस्लिम जोड़े की शादी कराई गई। इस योजना के तहत लखनऊ शासन से 35,000 प्रति जोड़े को जिला स्तर पर खर्च किया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र चौधरी ने। सामूहिक विवाह कराया गया है इंदिरा बाल भवन में। कितने जोड़ों की शादी कराई गई है? 101 जोड़ों की शादी कराई है जिला पंचायत के माध्यम से हमारी। इसमें क्या क्या सम्मान दिया गया विभाग की तरफ से? सम्मान तो लगभग सभी है,
जैसे कि गैस के चूल्हे हैं, पायल है, डिनर सेट है, ट्रंक है, मतलब जो घरेलू जरूरतों का सारा सामान ने दिया है, बहुत उच्च क्वालिटी का बढ़िया। अच्छा, पंखे हैं। जिनकी शादी कराई गई, क्या ये किसी एक जाति के या अलग अलग? नहीं नहीं, सब जाति के, सब धर्मों के, मुस्लिम भी हैं इसमें, हिंदू भी हैं, सब जाति। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।